हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको टॉस इंटरमीडिएट का फिजिक्स 312 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। यहां से आपको पीडीएफ से 2024 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और 2025 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरमीडिएट में जो भी फिजिक्स का सब्जेक्ट लिए है बुक वन में से, वॉल्यूम वन में से मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में वॉल्यूम टू भी आपको बताऊँगा। फिजिक्स 312 का ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप जो है न्यू सिलेबस का वॉल्यूम वन में, बुक वन में चैप्टर्स देख सकते हैं। टोटल 14 चैप्टर्स यहाँ पे है। यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लास्ट चैप्टर 14th साउंड वेव से। ये बुक टू है, वॉल्यूम टू है ये, लेकिन अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है फर्स्ट से 14th चैप्टर्स तक जो वॉल्यूम वन में है, बुक वन में है। तो ये आपकी रीडर है फिजिक्स की, बोर्ड की तरफ से जो दी गई है। ये पीडीएफ में से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला चैप्टर आप देख सकते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। इसमें से आपको क्या लर्न करना है बोर्ड के लिए वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। पेज नंबर टू पे देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिया गया है। यहाँ पे सिस्टम जो बॉक्स दिया गया है टेबल 1.1 में, ये आपको ज़रूर याद रखना है। सिस्टम लेंथ, मास और टाइम, वन मार्क में पूछ सकता है कि लेंथ क्या है, मास क्या है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। और पेज नंबर थ्री पे जो है टेबल दिया गया है 1.2 टेबल, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, सिंबल, ये आपको ज़रूर लर्न करना है। वन मार्क टू मार्क्स में पूछ सकता है। मास का यूनिट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट है। यूनिट ऑफ एम्फियर का फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, ऐसा पूछ सकता है। तो ये आपको टेबल 1.2 भी अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर्स बोल के दिया गया है पेज नंबर सिक्स पे। तो टाइप्स ऑफ एरर्स जो है यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर्स दिया गया है और रैंडम एरर्स दिया गया है। ये आपको अच्छी तरीके से दोनों के जो 2-3 लाइंस दिया गया है वो आपको ज़रूर लर्न कर लेना है। 1.7 जो है एब्सोल्यूट एरर, 1.7.2 मीन एब्सोल्यूट एरर, ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो नेक्स्ट लर्न करना है फर्स्ट चैप्टर में से, वो आपको मैं यहाँ पे पेज वाइज बता दूंगा। पेज नंबर 12 पे इनटेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं 1.1 में। यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन लर्न नहीं करना है, इसमें से सिर्फ फिफ्थ वाला ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, रेडियो स्टेशन का जो है एक प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 14 पे भी इनटेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से भी आपको एक भी प्रैक्टिस नहीं करना है। ये टर्मिनल एक्सरसाइज बोल के दिया गया है, लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज उसको टर्मिनल एक्सरसाइज में शामिल किया जाता है। पेज नंबर 15 पे टर्मिनल क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें से आपको जो है सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर दैट कैन अकर इन मेजरमेंट्स, ये ज़रूर लर्न करना है। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन दिया गया है, देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स, ये आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना है, इसमें ही आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे इसमें। नेक्स्ट चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में आपको व्हाट इज डिस्टेंस का जो डेफिनेशन दिया गया है वो आपको लर्न करना है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट है उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है वो लर्न करना है। व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी, टू मार्क्स में पूछ सकता है, उसका भी आपको फॉर्मूले के साथ डेफिनेशन लर्न करना है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 20 पे एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, देखिए 2.2 अ पर्सन रन्स, ये ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन है 22 पेज नंबर पे, यहाँ पे आपको एक भी आंसर लर्न नहीं करना है। उसके बाद आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। पेज नंबर 25 पे इंटेक्स क्वेश्चंस दिया गया है, यहाँ पे भी आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है। पेज नंबर 28 पे एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, देखिए 2.6 ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। पेज नंबर 29 पे भी एक क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम्पल 2.7 ए कार इज ट्रैवलिंग, ये भी ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। इनटेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जाम्पल प्रॉब्लम में से भी पूछा जा सकता है, यह बात याद रख लीजिए।
पेज नंबर 31 पे इंटेक्स क्वेश्चन है 2.4, उसमें से फर्स्ट वन, सेकेंड वन और फोर्थ वन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद टर्मिनल एक्सरसाइज दिया गया है पेज नंबर 36 पे, यहाँ पे आपको फर्स्ट वन और सेकेंड वन प्रैक्टिस करना है, ये दो प्रैक्टिस कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन, यहाँ पे आपको फर्स्ट में 3.1.1 जो दिया गया है वेक्टर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, इसके डेफिनेशन ज़रूर लर्न कर लीजिए। पेज नंबर 44 पे इंटेक्स क्वेश्चन 3.1 है, देखिए इसमें से आपको सेकेंड क्वेश्चन टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड, ये ज़रूर लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है। थर्ड क्वेश्चन टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल्स टू 30 यूनिट्स, ये भी ज़रूर प्रैक्टिस और लर्न करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो भी, सेकेंड वन और थर्ड वन। पेज नंबर 46 पे इंटेक्स क्वेश्चन दिया गया है 2.2 में, इसमें से आपको फिफ्थ क्वेश्चन लर्न करना है और सिक्स्थ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस और लर्न करना है। इफ़ वेक्टर ए एंड सिक्स्थ वन, ए एंड बी आर टू मैचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। उसके बाद यहाँ पे भी नहीं करना है। पेज नंबर 53 पे इंटेक्स क्वेश्चन 3.3 दिया गया है, इसमें से भी कुछ भी लर्न मत करिए। सर्कुलर मोशन बोल के दिया गया है, देखिए पेज नंबर 54 पे, इसका सर्कुलर मोशन का एक डायग्राम और इसका डेफिनेशन ज़रूर पढ़ लीजिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको ये बोलते हैं। पेज नंबर 57 पे एग्जांपल प्रॉब्लम दिया गया है 3.3, स्टोन ऑफ मास, ये ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन 3.4 में से भी कुछ भी प्रैक्टिस मत करिए, व्हाट यू हैव लर्न। पेज नंबर 59 पे आ जाइए, चैप्टर के टर्मिनल एक्सरसाइज दिया गया है, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, डिफाइन यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलेवेंथ वाला भी ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फोर्थ चैप्टर है, इसमें से भी आपको मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। इंटेक्स क्वेश्चन में से सेकंड क्वेश्चन पढ़ना है आपको पेज नंबर 65 पे, पेज नंबर 67 पे एग्जांपल प्रॉब्लम है देखिए 4.3, वो भी ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको जल्दी टर्मिनल क्वेश्चंस बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से लर्न कर लिया जाए जल्दी जल्दी। पेज नंबर 76 पे एग्जाम्पल प्रॉब्लम है देखिए 4.7, ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए ये भी। उसके बाद पेज नंबर 83 पे टर्मिनल एक्सरसाइज क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है, इसमें से आपको नाइन्थ क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना है, फिफ्थ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बॉल ऑफ मास, और नाइन्थ क्वेश्चन देखिए फाइंड द एवरेज रिकॉइल फोर्स, ये आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना है। पेज नंबर 84 पे आपको कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना है, पेज नंबर 85 पे भी कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना है आपको। पेज नंबर 85 पे 25th वाला क्वेश्चन लर्न कर लीजिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन द केस ऑफ बाइसाइकिल, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का वॉल्यूम 1 में, वो है वर्क एनर्जी एंड पावर, यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगा इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर ज़रूर करिए, दुआओं में ज़रूर याद